हैं जिनको खुद काम आता नहीं है, इनको खुद काम नहीं आता, ये सिर्फ इसी चीज में सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि ये गैंग अप हुए हैं, इनकी वो बनी हुई है, कहते ना ग्रुपिज्म, एक ग्रुप बना हुआ है, आपकी एक लॉबी बनी हुई है, तो लॉबी के अंदर हो तो आप सेफ हो, इसलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं। मैं किसी लॉबी में नहीं हूं, मेरे पास, मैं किसी को नहीं जानती। मैंने एक बहुत ही भले कंपनी के साथ, और मैं उनको दिल से बहुत मानती हूँ, उनके साथ मैंने काम किया था, दैट वॉज स्वस्तिक, और वो बहुत ही अच्छे लोग मेरे, मतलब मुझे लगता है कि लाइफ के मेरे सबसे बहुत जेन्युइन लोगों के साथ मैंने काम किया था जब मैंने रजिया सुल्तान में उनके साथ काम किया था। बट उसके बाद भी मेरे को किसी सीरियल में बहुत जबरदस्त कुछ मिला नहीं, और मेरे को लगा कि क्या करना, वेट करती हूँ, आज 4 साल हो गए हैं मेरे पास सीरियल नहीं कोई अच्छा आया, लीव फिल्म की, मुझे फिल्मों में तो कौन ही देगा, क्यों देंगे, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े चाटने वाले बैठे हुए हैं, एक से एक चाटुकार बैठे हुए हैं, मेरे को नहीं आती है चाटनी, नहीं आती है मुझे नहीं आता ये सब करना। मुझे लगता है कि मेरे को अगर करना ही है ना तो ठीक है, मैं अपना YouTube पे करूंगी जो करना है मुझे, मैं व्लॉगिंग करूंगी। अरे मैं आपको ये भी बता देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत व्लॉगिंग जब मैं करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए मजाक बनाया था मेरा। आज से 2 साल पहले जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, मेरा बहुत मजाक बना था। आई रियली वॉन्ट टू टेल दिस एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू, मेरा बहुत मजाक बना था। अरे अब इसके बाद कुछ नहीं है तो ये ब्लॉगिंग कर रही है, अरे इसमें कोई काम नहीं है यार, इसके बाद कुछ नहीं है, ये ब्लॉगिंग कर रही है। ये आज एवरीबॉडी हैज ओपन देयर यूट्यूब चैनल, अ लॉट ऑफ देम, मोस्टली आज उनको वो यूट्यूब छोटा नहीं लग रहा, लॉकडाउन में जब सबके खुले हैं ना यूट्यूब, तब छोटा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे बारे में आई नो द पीपल जिन्होंने मेरा मजाक बनाया था, क्योंकि बातें तो आप तक पहुंचती हैं और वो बहुत दुखती हैं। मेरे को कितना दुख हुआ होगा, बीइंग अ डांसर मेरे पास काम नहीं है, मैं शोज पे सरवाइव कर रही थी, मैं मेरे शोज पे सरवाइव कर रही हूं सिर्फ, उसमें भी आपको काटने वाले कितने लोग होते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को यहां से काम नहीं आएगा, वहां से काम नहीं आएगा, मैं शोज करूंगी। मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं, सब लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। मैं स्ट्रांग इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे पीछे अविनाश बैठा था, मेरे पीछे मेरी सपोर्ट थी, मुझे ऐसा लगता था मैं अभी भी कुछ और करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, यू नो, मेरा इसी कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कॉमेंट्स देख के, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल राइट नाउ, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट इनसाइड, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, लगता है कि यू नो मैं सब कुछ शेयर कर दूँ आज, जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है सुशांत को नहीं जाना चाहिए था, सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट हो गई है, सब कुछ मिक्स हो गया, और जो मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रही हूँ ना, मुझे पता नहीं है कि कुछ तार जुड़ पा रहे हैं या नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ इफ इट्स मेकिंग सेंस और नो, बट ये जो ग्रुपिज्म है ना, और आप एक इंसान को जब आप आउटसाइडर बना देते हो, आप बाहर के बन जाते हो, वो बहुत तकलीफ देती है। आई डोंट नो इफ सुशांत वॉज गोइंग थ्रू द सेम इन ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म इन अ बिगर वे, बट अगर ये था तो हमारे साथ हमारे लेवल पे बहुत किया है, और जिन्होंने किया है तो मैं ये मानती हूँ कि यू नो कर्मा वापस आते हैं, और कर्मों की सजा आपको जब मिलती है ना, तो हम में से कोई, हम लोग सब बुरा फील करते रहेंगे, यार इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, कर्मा तो आपको यहीं पे करना है, यहीं। और मैं आप लोग इफ फ्यू पीपल From the industry are watching this, तो मैं आपको सिर्फ बोलूंगी be kind, don't be mean, किसी का काम मत छीनो। बेटा पानी पिला दे मेरे को, किसी का काम मत छीनो, क्योंकि जब आप ये करते हो और जो किसी को काम मिलना है उसका रुकता है, उसके अंदर से एक बद्दुआ निकलती है, हाय निकलती है, और वो आपको लगती है। मेरे साथ बहुत बड़े बहुत बार बहुत लेवल्स पे ये चीजें हुई हैं। मैं यू नो मैं एक शो कर रही थी
एंड पता नहीं, मुझे ये चीज बतानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप इमीडिएटली रिलेट कर जाओगे. लेकिन मुझे एक शो मिला जज करने के लिए, तो मैंने, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2-3 शोज रीजनल जज किए हैं, यू नो, डांसिंग के. तो मुझे जब शो मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी. और मैं यहाँ नहीं थी, मैं बाहर थी, शो करने के लिए गई हुई थी. और मैंने बोला मैं आते ही ज्वाइन करूंगी. जब मैं पहुंची तो मुझे बाद में मालूम पड़ता है कि जो मेरे साथ जो दूसरा जज था उस शो में, उसने प्रोड्यूसर्स को ये बोला कि वाई संभावना, बिकॉज मेरा तो मार्केट बहुत अप है एंड संभावना हैज नो क्लास. एंड संभावना कौन है, मेरी मेरे उस स्टैंडर्ड की नहीं है, सो रिप्लेस संभावना. सोचो ये बात जब मुझ तक पहुंची होगी, बिकॉज दैट पर्सन वॉज वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ मी, दैट पर्सन वॉज वेरी नाइस टू मी. और मैं सोचती थी कितना अच्छा बंदा है यार ये. सो आई ऑब्वियसली विदाउट टेकिंग नेम्स मैं ये चीज बोल रही हूं आपको. मुझे जो मालूम पड़ा, उस बंदे ने बोला मैं शो छोड़ दूंगा अगर आपने संभावना को नहीं निकाला. एंड प्रोड्यूसर सेड कि संभावना इज गोइंग टू बी देयर इन द शो बिकॉज वी वॉन्ट संभावना, बिकॉज रीजनल वाला है एंड संभावना को पता है, शी नोज अबाउट डांसिंग एंड वी वॉन्ट हर. तो आप सोच लो अब क्या करना है. और उस बंदे को लगा कि नहीं नहीं मुझे कर लेना चाहिए. मैं वो बंदा वहां पे था शो, और उसके बाद मैंने पूरा शो किया उसको बिना बताए बात. एंड दैट पर्सन वॉज ऑलवेज सो नाइस ऑन माई फेस एंड बिहाइंड माई बैक. मैं एवरी डे सुनती थी कि उसने ये बोला, उसने वो बोला, वो तेरे खिलाफ ये बोल रही है, तेरे खिलाफ वो बोल रही है. और एंड में प्रोड्यूसर्स जो थे ना, उन्होंने मेरे को बोला आर यू मैड संभावना, तो इस बंदे की तारीफ कर रही है एंड ये बंदे ने तेरे लिए ये 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 डे वन से लेकर यहां तक इस बंदे ने तेरे साथ ये किया. मैं ये सोचती हूं कि आपका जमीर आपको अलाउ कैसे करता है करने का, ये गंदगी आपके अंदर से आती कहां से है. आप लोगों के काम छीनने के लिए आपके अंदर से ये कौन सी चीज अलाउ करती है आपको कि हम ये कर देते हैं इसके साथ ऐसा, और हमें माफी मिल जाएगी इस बात की. जो मैंने आपको माफ किया, मैं ये कहती हूं मैंने आपको माफ किया, लेकिन जो कर्मा है ना वो तो आपको मिलेंगे वापस. आप बड़े बड़े और करो शोज, मेरे को घर पे बिठा दो, लेकिन मैं एंड ऑफ द डे जहां पे पहुंचना है, जो करना है, मैं सेल्फ मेड हूं और मैं कर लूंगी. मैं वीक हूं लेकिन मेरी जो अदर साइड है वो बहुत स्ट्रांग है. मैं इमोशनल जरूर हूं लेकिन जब मैं खड़ी होती हूं ना तो मैं अच्छो अच्छों की वाट भी लगा सकती हूं. आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है जब मैं ये चीज अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूं. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं शेयर कर रही हूं आप लोगों के साथ, फर्स्ट टाइम. यू नो आई एम नॉट इवन रीडिंग कॉमेंट्स, आई वॉन्ट टू रीड एवरीबॉडीज कॉमेंट्स ऑल्सो नाउ. और जब मैं ये शेयर कर रही हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यू नो सुशांत को शायद बैकिंग मिली होती इंडस्ट्री की, तो शायद ये ना हुआ होता, आई डोंट नो. और ये हम सबके सवाल है ना, ये हम सबके सवाल है उस लड़के के लिए. यू नो कल जब ये न्यूज आई तो पहले ऐसा लगा कि कुछ ऐसा झटका सा लगा मुझे, लेकिन आज पूरा दिन जब न्यूज में यू नो वही देखते रहे अंतिम यात्रा एंड यू नो उसको उसके फादर को देखती रही, तो मतलब मुझे ये नहीं लगा कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया. क्योंकि ये मैं समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या होता है. क्यों कहते हैं बात करो, कॉल, आई एम अ कॉल अवे, प्लीज यू बी अवे. क्योंकि ये जो झूठी बातें करते हो ना, आई एम जस्ट अ कॉल अवे. मुझे भी ऐसे कई मैसेजेस देख रही थी मैं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे. ये झूठी बातें हैं, आई एम जस्ट अ कॉल अवे. क्योंकि ये जो कह रहे होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा आपके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं. क्योंकि आपको उनको कॉल करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कॉल करके पता कर सकते हो.
इफ यू नो द पर्सन. मैं बहुत बार करती हूँ और नॉट बिकॉज मैं ये नहीं बताना चाहती मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, सब में कभी आए, लेकिन डोंट से आई एम जस्ट अ कॉल अवे. क्योंकि जिसके लिए आप जिसको जिससे बात करना चाहते हो उसको आप कॉल कर लेते हो.